नमस्कार प्रणाम, मैं हूं गोविंदा और आप सभी से विनती करता हूं। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर गोविंदा का रिएक्शन सामने आ गया है। बताएंगे और आपको पूरी अपडेट से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और हम 2,00,000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि टाइगर 3 अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपया कलेक्शन करेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, फिल्म टाइगर 3 का टीजर दुनिया भर में रिलीज हो गया है। इस बार फैंस को काफी खुशी भी हो रही है। आपको बता दें, फिल्म टाइगर 3 10 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दरअसल आपको बता दें, मेकर्स ने इस फिल्म को धनतेरस के मौके पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इस फिल्म का टोटल बजट 600 करोड़ रुपए के पार बताया जा रहा है और इस फिल्म के टीजर को देखते हुए सभी को ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म 600 करोड़ तो अपने पहले वीकेंड में ही पार कर लेगी। फिल्म को लेकर नई अपडेट की बात करें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और मेकर्स ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि यह फिल्म अपने पहले दिन 100 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर लेगी। अभी फिलहाल टाइगर 3 के टीजर के रिलीज होते ही कई अभिनेताओं के रिएक्शन हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले हमें गोविंदा का रिएक्शन देखने को मिला। गोविंदा बातों ही बातों में टाइगर 3 के टीजर की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ गोविंदा ने कहा कि टाइगर तो सिर्फ एक ही है, वो है सलमान खान। हम सब तो भीगी बिल्ली हैं, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव सलमान खान। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए कलेक्शन करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।